welcome friend my name is jenny i do not exist in real world i am totally generated with ai my appearance is created through midjourney and then animated by canva my creator is professor if you want to create videos like this then subscribe to this channel and if you like me then like this video and drop a comment to show your love and support AI <laughs> आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी वीडियोस हम कैसे बना सकते हैं सबसे पहले आपने गूगल में आना है उसके बाद आपने डी डैश आई सर्च करना है फिर ये पहली वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है उसके बाद आपने इस वेबसाइट अपनी बना लेनी है मैंने पहले से बनाई हुई है आप अपनी आई बना लेना बहुत सिंपल प्रोसेस है इसलिए मैं उस पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला उसके बाद आपने लॉग कर लेना है लेकिन वीडियो हम फिर भी इस वेबसाइट पे नहीं बनाएंगे मतलब इसी ए आई टूल का वेबसाइट यूज करेंगे लेकिन इनकी वेबसाइट पर वीडियो नहीं बनाएंगे अरे कहना क्या चाहते हो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। अगर आप यहाँ पर क्रिएट वीडियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि 20 से लिमिट क्रॉस कर गई है इसलिए आप स्पीच को प्रिव्यू नहीं कर सकते और वीडियो भी आप 20 वर्ष से ज्यादा नहीं बना सकते 20 वर्ड्स की वीडियो से तो ना बनाना ही अच्छा है और पैसे तो हमने देने नहीं और वीडियो भी बनानी है तो उसके लिए आपने कैनवा की वेबसाइट पे आना है और यहाँ से आपने मोबाइल वीडियो सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर डी डैश आई टूल पे क्लिक करना है और अपनी वो वाली आई डी लॉग करनी है जो आपने बनाई थी यहाँ पर आपको वर्ड लिमिट पाँच तक मिल जाती है जिससे आप आसानी से शॉर्ट्स वीडियो और लॉन्ग वीडियोज बना सकते हैं सबसे पहले आपने इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी इमेज अपलोड कर लेनी है इमेज अपलोड होने के बाद यहाँ पर आपने स्क्रिप्ट लिखनी है अपनी वीडियो की उसके अलावा आप यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप वॉइस कर सकते हैं मैं यहाँ से जेल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से आप टून भी सेलेक्ट कर सकते हैं तो मैं यहाँ से फ्रेंडली सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद आपने क्लिक कर लेना है Welcome, स्पीच कंफर्म होने के बाद आपने वही इमेज सेलेक्ट करके रखनी है उसके बाद आपने जनरेट प्रेजेंटर पर क्लिक करना है तो आपकी वीडियो जनरेट हो जाएगी जनरेट होने के बाद इसको अपने कैनवास के, के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ वेलकम फ्रेंड डाउनलोड करने के लिए आपने इस शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है उसके बाद डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है फिर से डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है तो आपकी वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी जनरेट होने के बाद आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी